आपको टेम्परेचर की तरफ नहीं भागना है, मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर लो और उसका इलाज कर दो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि आपका बकरा बकरी एक्टिव है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरे बकरी के टेम्परेचर के बारे में, उनके तापमान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बकरा बकरी जब खाना पीना कम करता है या नहीं खाता है, या वो बीमार होता है, या फिर वो जुगाली नहीं करता है, तो ऐसे में बकरी पालक सबसे पहले उसका तापमान चेक करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर लेते हैं, जिससे उनको कंफर्म हो जाता है कि बकरा बकरी को क्या बीमारी है, मतलब उसका तापमान कम है, ज़्यादा है या फिर नॉर्मल है। जब टेम्परेचर चेक हो जाता है तो उसके बिहाव पर ही उसका इलाज किया जाता है। तो बकरा बकरी के टेम्परेचर, उसके तापमान को लेकर हमारे बकरी पालकों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वो आसपास के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करके पता करते हैं कि बकरा बकरी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए और क्या होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब कम होता है तो क्या करें, ज़्यादा होता है तो क्या करें। तो ऐसे में कई बार बकरी पालक गलती कर देते हैं कि उनका टेम्परेचर सही मालूम ना होने की वजह से उसका इलाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बकरा बकरी और बीमार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बकरा बकरी का लो टेम्परेचर, मतलब कम तापमान, और जो रेगुलर उसका एकदम सही टेम्परेचर होना चाहिए वो, और जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसमें बुखार होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आपको मैं प्रैक्टिकली टेम्परेचर चेक करके भी बताऊंगा, जिससे आप कन्फर्म कर सकें कि बकरा बकरी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं हर वीडियोस में बताता हूं कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, आपके पास फिर 2 बकरी हो या 100 बकरी हो, तो वैसे में आपको इस तरह का डिजिटल थर्मामीटर रखना है अपने पास में। ये कोई बकरा बकरी का थर्मामीटर नहीं है, ये ह्यूमन का थर्मामीटर है। इसी से हम लोग हमारा टेम्परेचर भी चेक करते हैं और इसी से बकरा बकरी का टेम्परेचर भी चेक होता है। तो आपको अपने पास इस थर्मामीटर को जरूर रखना है, जिससे कि आप समय पर बकरा बकरी की बीमारी को पकड़ सकें। क्योंकि आज भी कई ऐसे बकरी पालक हैं जो अपने बकरा बकरी को कान पकड़कर या उसकी स्किन को पकड़कर टेम्परेचर लेते हैं। जैसा कि कुछ बकरी पालक हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हैं, उनके बकरा बकरी को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और वो हमसे इलाज लेते हैं, तो हम उनसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या आपने उनका टेम्परेचर चेक किया। तो वैसे वो बताते हैं कि उन्होंने बकरा बकरी की स्किन को पकड़कर चेक किया है, तो उसकी स्किन जो है, चमड़ी जो है, गर्म है, जिससे कि उसे बुखार है, ऐसा पता चल रहा है। पर बकरा बकरी की जो स्किन की चमड़ी है वो हमेशा गर्म रहती है, तो उससे आप कंफर्म नहीं कर सकते कि उसे बुखार है या फिर उसका टेम्परेचर लो है। तो ऐसे में आपको इस तरह से इलाज नहीं करना है, आपको इस थर्मामीटर का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप उसका सही टेम्परेचर लेकर सही इलाज कर सकें। तो मैं आपको टेम्परेचर लेकर दिखाता हूँ अपनी बकरी का कि आपको किस तरह से लेना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि टेम्परेचर सही क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारी बर्बरी नस्ल की बकरी है, मैं आपको इसका टेम्परेचर लेकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप बकरा बकरी को ऐसे दोनों पैरों के बीच में पकड़ लें अच्छे से और थर्मामीटर को ऑन कर लें। यहाँ पर स्विच होता है, ये बटन होती है, इसे चालू कर लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं लो हो गया है, LO, तो आपको लो कर लेना है। उसके बाद बकरी जहाँ से मैंगनी करती है उसके गुदा में इसे आधा इंच तक अंदर डालना है, आधा इंच अंदर करके ऐसा नीचा कर दें इस तरह से, तो जिससे कि उसकी चमड़ी का टेम्परेचर आएगा। आप देख सकते हैं 101.6 पहुंच चुका है। डिजिटल थर्मामीटर का फायदा यह है कि जब टेम्परेचर कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बीप करने लगता है। ये देखिए, ये बीप करने लगा है। तो डिजिटल थर्मामीटर का यही फायदा है कि जब टेम्परेचर कंप्लीट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बीप करने लगता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है 101.9 है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। तो अब हम बात कर लेते हैं बकरा बकरी के नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बकरा बकरी का जो रेगुलर टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसे एक स्केल में डिवाइड किया है, मतलब एक रेंज के अंदर डिवाइड किया है। जैसे कि हम बात करें कि 100 फेरनहाइट से लेकर 103, मतलब 103 फेरनहाइट तक जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। इसके बीच में अगर उसका टेम्परेचर 101 होता है या 102 होता है या 102.50 होता है, तो भी वो नॉर्मल होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्केल के अंदर इसे डिवाइड किया गया है, तो 100 फेरनहाइट से लेकर 103 फेरनहाइट तक अगर है उसका टेम्परेचर, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में आता है। अगर 100 डिग्री से नीचे उसका टेम्परेचर है, मतलब 99 टेम्परेचर है या 98 है, तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर लो है। तो ऐसे में भी आपको उसका इलाज करना है। पर आपको देखना है और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका बकरा बकरी का टेम्परेचर 98 या 97 है, उसके बाद भी वो एक्टिव है और पूरी तरह से खाना पीना कर रहा है, तो आपको उसका इलाज नहीं करना है। क्योंकि कई बकरी पालक ऐसे हैं कि टेम्परेचर ले लेते हैं और जब टेम्परेचर कम होता है तो उसका इलाज कर देते हैं, जिससे कि वो जो खाना पीना कर रहा है वो भी छोड़ देता है। क्योंकि बकरा बकरी का हम इलाज करते हैं किसी भी तरह का, लाइक इंजेक्शन देते हैं उसे या फिर मेडिसिन खिलाते हैं, टेबलेट खिलाते हैं,
तो वो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा आता है क्योंकि वो परेशान होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बकरा बकरी एक्टिव है, अच्छे से खा रहा है, उछल कूद कर रहा है और उसका टेम्परेचर लो है, तो वैसे में उसका इलाज ना करें। तो अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो 103 फेरानाइट से ऊपर अगर है, मतलब कि 104 है, 105 है, तो वैसे में आपको उसका बुखार का इलाज करना है, मतलब कि उसे बुखार है। उसमें भी आपको सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर वो एक्टिव है और लाइक इस तरह से इसे देख रहे हैं आप, जुगाली कर रहा है जानवर, खा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आपको वैसे में उसका इलाज नहीं करना है। अगर वैसे में उसका इलाज करेंगे जैसा मैंने आपको बताया तो बकरा बकरी परेशान होगा। तो आपको ये चीज जरूर देखनी है, आपको टेम्परेचर की तरफ नहीं भागना है। मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर लो और उसका इलाज कर दो, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बकरे बकरियों का टेम्परेचर उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम अलग अलग ब्रीड पे जाएं तो अलग अलग टेम्परेचर भी आते हैं। किसी बकरा बकरी के अंदर ज्यादा हीट होती है तो उसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। कुछ बकरा बकरी जुगाली अच्छी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पर उसका टेम्परेचर लो होता है, मतलब उसके अंदर हीट लो होती है, मतलब हीट कम होती है। उसकी चमड़ी को आप जैसे देखेंगे, अगर उसकी स्किन को पकड़ेंगे तो वो हमेशा ठंडा लगेगा या कुछ हमेशा गर्म फील होते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको बताया कि आपका जानवर एक्टिव है तो टेम्परेचर लो है या हाई है, उसमें आपको उसका इलाज नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी सवाल थे, जो कन्फ्यूजन था बकरे बकरी के तापमान को लेकर, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।